अब हम इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं और दोनों ही कंपैरेटिव में पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक यानी अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक, एक एक करके बात करेंगे। नेचर ऑफ इकोनॉमी, अर्ली वैदिक में क्या था, पशुपालन उनके लिए प्राथमिक था, लेटर वैदिक में उनके लिए कृषि प्राथमिक हो गया है, ठीक है, साथ साथ में वो पशु भी पालन कर रहे हैं लेकिन पहले नंबर पर उनके लिए कृषि आ गया है। अर्ली वैदिक में वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके, एक तरीके से घुमंतु कृषि जिसे बोला जाता है कि एक जगह पे 3-4 साल यूज किया, जब लगा कि यहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ नहीं रही है तो चलो दूसरी जगह जा करके पेड़ों को काट के फिर दूसरी जगह करते हैं, तो वो शिफ्टिंग कर देते हैं। धीरे धीरे इधर की साइड में आते वो एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीने लग गए और स्थायी कृषि करने लग गए, यहाँ पे स्थायी के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग करने लग गए। शुरुआत में सिर्फ यानी जौ की खेती की जाती थी, लेकिन इधर की साइड में गेहूं, चावल, जौ, दाल उनकी भी खेती यानी मिक्स खेती की जाने लग गई है, और साथ साथ में ये खाद के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं तो ये खाद का भी उपयोग करने लग गए, ठीक है। तो अर्ली वैदिक में सिर्फ जौ की खेती की जाती थी, इधर की साइड में आते आते यव यानी बाले, इधर की साइड में लेटर वैदिक में आते आते गेहूँ की, राइस की और जौ की खेती की जा रही है, जो तो पहले से ही था। तो गेहूँ को जो यूज किया गया शब्द है उसे बोला जाता है गोधूम, ऋग्वेद में उत्तर वैदिक में जो शब्द यूज किया गया है वो गोधूम शब्द यूज किया गया है। उसके बाद में चावल के लिए ब्रीही शब्द यूज किया गया है, तो गोधूम किसके लिए हुआ, गोधूम हुआ गेहूं के लिए, ठीक है, और चावल के लिए ब्रीही, ठीक है, ये शब्द जो रहा वो चावल के लिए, और ये दोनों ही कब बोए जा रहे हैं, ये लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक में, और ऋग वैदिक में सिर्फ और सिर्फ यव यानी जौ यानी बारले। ऋग वैदिक में बुड़न प्लो यूज किया जाता था, लकड़ी का हल यूज किया जाता था, उत्तर वैदिक में आते आते लोहे का हल बनाने लग गया, तो हल लोहे का मजबूत होगा निश्चित सी बात है, और तो इसके कारण जो है वो गहराई तक खुदाई की जा सकती है, अच्छे से खुदाई की जा सकती है, तो यहाँ पे खेती जो है वो सघन होने लग जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे अर्ली वैदिक में जो उनका लाइफ स्टाइल थी वो ट्राइबल और रूलर थी, यानी आदिवासी तो थे साथ साथ में गाँव में ही रहते थे, यहाँ पे कोई अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन लेटर वैदिक में आते आते धीरे धीरे ग्रामीण लोग तो हैं साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस हो चुका है, अन्य उत्पाद बन रहे हैं, बार्टर सिस्टम के आधार पे ट्रेड अधिक होने लग जाएगा, और ट्रेड जहाँ पे होगा वहाँ पे छोटे छोटे कस्बे, टाउन और अर्बन ट्रैप में बनने लग जाएंगे, अर्बन सिटी बनने लग जाएंगे। तो ऋग वैदिक में सिर्फ और सिर्फ गाँव थे, और उत्तर वैदिक में आते आते यहाँ पे शहर बनने लग जाएंगे और सेकेंड सिविलाइजेशन शुरू होने लग जाएगा 600 BC के आसपास में। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, द्वितीय शहरीकरण। पहला शहरीकरण तो IBC में था ही, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरों में बसी हुई थी, और फिर धीरे धीरे 600-500 BC के आसपास में जब महाजनपद बनेंगे तब वहाँ पे नए जो नगर हैं वो बसने लग जाएंगे, तो अर्बनाइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अर्ली वैदिक में काउ को एज ए वेल्थ माना जाता था, काऊ को, गाय को वहाँ पे धन के रूप में माना जाता था, बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था व्यापार के लिए। बार्टर सिस्टम का मतलब पता है आपको कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें अगर आपके पास में गेहूं है और आपको टमाटर चाहिए तो आप अपने गेहूं लेके टमाटर वाले के पास में जाएंगे, आप उससे बोलेंगे आप मेरा गेहूं ले लीजिए, आप अपना टमाटर मुझे दे दीजिए, तो दोनों की पूर्ति हो जाती है उसमें। तो बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था और काऊ को एज ए बेल्ट यूज किया जाता था, लेकिन व्यापार था ही नहीं, मतलब किस चीज़ का व्यापार करें शुरुआत वाले, उनके पास चीज़ें ही उतनी है नहीं, यव यानी जौ वो अपना कृषि में उत्पादित कर रहे हैं, उसके बाद में पशुपालन कर रहे हैं, उनके पास सरप्लस उतना अधिक है नहीं, तो उतना ज़्यादा ट्रेड और व्यापार था ही नहीं उनके लिए। तो काऊ एज ए बेल्ट यूज किया जाता था अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ लेना देना है। और एक शब्द आता है दोहित्री, थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, दोहित्री, ये जो शब्द है ये गाय को दुहने वाली होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो गाय को दुहने वाली नॉर्मली घरों की लड़कियां होती थी, बेटी होती थी, तो बेटी के लिए शब्द यूज किया जाता है दोहित्री, ठीक है, यानी लड़की के लिए या बेटी के लिए जो शब्द यूज किया जा रहा है वो दोहित्री शब्द यूज किया जा रहा है। अब हम उत्तर वैदिक में आते आते हमें ऐश के बारे में जानकारी मिल जाती है, ऐश यानी कॉपर, तांबा के बारे में जानकारी मिल जाती है, गोल्ड को, सोने को हिरण्य के रूप में जाना गया है, तो हिरण्य के बारे में यानी गोल्ड के बारे में जानकारी मिल जाती है, आयरन को उसमें श्याम या कृष्ण अयस के नाम से बोला गया है, श्याम या कृष्ण अयस के नाम से बोला गया है, तो लोहे के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। लेटर वैदिक में आते आते पॉटरी जो है बहुत अधिक रिफाइंड हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्टल और बहुत पॉलिश्ड हो जाती है,
तो लेटर वैदिक टाइम में जो पॉटरी है उसे बोला जाता है पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, चित्रित धूसर धूसर मृदभांड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉटरी जो है लेटर वैदिक में, उत्तर वैदिक में चार प्रकार की मिलती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पेंटेड ग्रे वेयर चित्रित धूसर वाहन, ठीक है। और अलग अलग कौन से प्रकार हैं, देखिए, एक तो लाल बर्तन मिलते हैं, काले बर्तन मिलते हैं, उसके अलावा काले और लाल दोनों का मिक्स मिलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसलिए यहाँ पे लेटर वैदिक की जो सिविलाइजेशन है उसे पेंटेड ग्रे वेयर सिविलाइजेशन, या यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर यानी चित्रित धूसर मृदभांड के नाम से इस सभ्यता को, लेटर वैदिक वाले को जाना जाता है। ओके, ये तो हुआ नेचर ऑफ इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स कैसे होता था। ट्रेड और कॉमर्स की अगर बात करें तो अर्ली वैदिक में तो बार्टर सिस्टम था, लेटर वैदिक में भी बार्टर सिस्टम था। अर्ली वैदिक में गाय को एज ए यूनिट ऑफ वेल्थ माना जाता था। लेटर वैदिक में एक शब्द आता है निस्क। अब निस्क के ऊपर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग बोलते थे ये आभूषण था और कुछ लोग बोलते थे ये आभूषण था जिसे एज ए कॉइन, एज ए सिक्के यूज किया जाता था, तो ये गोल्ड का कॉइन या गोल्ड का आभूषण था, तो निस्क को एज ए यूनिट माना जाता। उसके अलावा भी चांदी के कॉइन होते थे, उन्हें सतमान और कृष्णाल बोला जाता था, ठीक है। चांदी के जो कॉइन है उन्हें सतमान और कृष्णाल, ठीक है, ये कृष्णाल, ये चांदी के जो सिक्के हैं उनको बोला जाता था लेटर वैदिक में। ऋग्वैदिक की बात करें तो व्यापार कौन करते थे, पढ़ी लोग करते थे, और निस्क उस समय भी यूज किया जाता था यूनिट के रूप में, गोल्ड कॉइन के रूप में। और ऋग्वैदिक में व्यापार जो होता था वो बैलगाड़ी की सहायता से होता था, तो उतना ज़्यादा व्यापार होता नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक में व्यापार जो है वो अधिक होने लग गया है, व्यापार बनिया लोग, गण लोग और श्रेष्ठी करने लग गए, श्रेष्ठी, ठीक है। ये श्रेष्ठी लोग जो है वो, श्रेष्ठी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है मर्चेंट्स का, गण का मतलब होता है गिल्ड ऑफ वैश्या, वैश्या अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और व्यापार करने वाले जो हैं उन्हें बनिया नाम से जाना जाने लग गया है, बनिया इस तरीके से ये सब आने लग गया, ठीक है। और गण का मतलब हुआ गिल्ड ऑफ, यानी वैश्य लोगों ने अपनी एक संस्था बना ली, और श्रेष्ठी, श्रेष्ठी जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट यानी व्यापारी लोगों ने अपनी एक संस्था बना ली, उसे बोला जाता है श्रेष्ठी। तो ये ध्यान रखना कि श्रेष्ठी का मतलब क्या है, व्यापारी लोगों की एक संस्था, श्रेष्ठी, और गण क्या है, वैश्य लोगों की एक संस्था, ध्यान रखना, व्यापारी की संस्था जो है वो श्रेष्ठी है और वैश्य लोगों की संस्था जो है वो गण है। और यहाँ पे विदेशों में भी व्यापार किया जाता है, लाइक बेबीलोन से, उसके अलावा यहाँ पे व्यापार जो है वो रथगाड़ी से किया जा रहा है, बैलगाड़ी तो पहले से भी यूज की जा रही थी, तो दोनों चीज़ें यूज की जाने लग गई हैं। तो ये जो है ट्रेड एंड कॉमर्स है, लेकिन विदेशों में उतना ज़्यादा व्यापार हो नहीं रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे आने वाले टाइम पे जब महाजनपद आ जाएगा तब विदेशों से व्यापार की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। तो ये आप ध्यान रख लेना, बार्टर सिस्टम पे आधार पे था, निस्क आपको ध्यान रख लेना, काऊ आप ध्यान रख लेना, पणि का मतलब मैंने बता दिया, जो आर्यों से अलग थे और यहीं पे रहते थे और व्यापार करते थे, तो पणि उनका लिए यूज किया गया है, शुरुआत में बैलगाड़ी बाद में रथगाड़ी यूज की जाने लग गई। ये गण श्रेष्ठी, ये श्रेष्ठी शब्द है श्रेष्ठी, ये ध्यान रख लेना। और अगर आपसे पूछा जाए कि सतमान क्या है, कृष्णाल क्या है, तो आपको सिल्वर, ये अपना चांदी के सिक्के, देखो आपके प्री के एग्जाम में यहाँ पे जो ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक में समय में जो शब्द यूज किए गए हैं उन शब्दों का आज के समय पे क्या मतलब है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड में वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने हिंदी में जो नोट्स बने हुए हैं उनमें उन शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है, ये हिंदी वाले नोट्स जो हैं उनमें शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है, लाइक यहाँ बेकनाट क्या है, पूछा जा सकता है कि बेकनाट क्या है, तो व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली था और ऋण देकर ब्याज लेने को बेकनाट कहा जाता था, इस तरीके से सतमान क्या है, निस्क क्या है, तो ये क्या है, ये सिक्के के रूप में यूज किए जाते थे, मुद्रा के रूप में यूज किए जाते थे और स्वर्ण आभूषण भी थे। तो ये पॉइंट, जैसे सुदब्बे का मतलब क्या है, तो ऊन के लिए सुदब्बे यूज किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे श्री क्या है, तो स्त्रियों को कपड़े बुनने का काम करती थी जिसके लिए ऋग्वेद में श्री शब्द का यूज किया गया है। जौ के लिए कौन सा शब्द, यव यूज किया जाता था। हल के लिए लांगल शब्द यूज किया जाता था। हल के निशान के लिए सीता शब्द यूज किया जाता था। चारागाह के लिए खिल्ले यूज किया जाता था। अन्न कोठार के लिए स्थिवी शब्द यूज किया जाता था, ठीक है। अयस किसके लिए यूज किया जाता था, अयस तांबे कांसे के लिए अयस यूज किया जाता था। कृष्ण अयस किसके लिए यूज किया जाता था, लोहे के लिए यूज किया जाता था।
गवेषी शब्द गाय का अन्वेषण यानी युद्ध करना, ठीक है। गवेषण, गभ्यु, गेशु, ये अलग अलग शब्द हैं। ऐसे ही अमाजू किसे बोलते हैं, जो जिंदगी भर अविवाहित रहने वाली लड़कियां उनको अमाजू बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूरे इसमें मैंने हाईलाइट किए हुए हैं जो शब्द पूछे जा सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा रिलीजियस लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उनकी। लेकिन बाद में आपको ये हिंदी नोट्स खुद को पढ़ने हैं, मैंने यहाँ पे हिंदी नोट्स आपके लिए पढ़ने के लिए छोड़े हैं। मेरा काम जो समझाने का है मैं पूरा वो समझा चुका हूँ, ये सब हिंदी में वही लिखा हुआ है जो मैं समझा चुका हूँ, बस एक्स्ट्रा शब्द लिखे हुए वो आपको पढ़ने होंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमिक लाइफ में यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स बता दिया। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू अर्ली वैदिक में, ऋग्वैदिक में नहीं था, कोई रेगुलर टैक्स सिस्टम नहीं था, लेकिन लोग अपनी मर्जी से राजा के लिए कुछ टैक्स दे सकते थे, तो उस शब्द को यूज किया जाता था बलि, ठीक है। अगर बलि आपसे पूछा जाए तो बलि मतलब ऋग्वैदिक काल में टैक्स सिस्टम एक तरीके से जो लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे, फिक्स कोई टैक्स सिस्टम नहीं था कि उन्होंने जीएसटी सिस्टम लगा रखा हो, चुंगी कर लगा रखा हो, ऐसा कुछ नहीं था, लोग अपनी मर्जी से दे सकते थे, ओके। और अगर ऋग्वैदिक काल में ही वो राजा के लिए पास में पैसा कहाँ से आता था, राजा के पास में पैसा वहाँ से आता था, बाउंटी वॉन ऑन दी बटल, बैटल में जीतने के बाद में युद्ध हुआ, युद्ध में उन्होंने गाय जीत ली, तो गाय जीतने के बाद में वो गायों को आपस में बांट लेते थे, ठीक है। तो राजा को उतना ज़्यादा पैसा की जरूरत होती नहीं थी, गाय ही सब कुछ होता था। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते प्रॉपर टैक्स सिस्टम आ गया था, वहाँ पे जो कोष का अध्यक्ष होता था उसे बोला जाता था संगित्री, ठीक है, ये सब आप याद रखना। संगित्री कौन है, तो ये कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। टैक्स कलेक्टर कौन है, बाग दुगा, ठीक है, ये आप यूज कर लेना, बाग दुगा, ठीक है, ये कौन है, टैक्स कलेक्टर यानी जो राजस्व इकट्ठा करने वाला है, राजस्व अधिकारी, ठीक है, राजस्व अधिकारी इसे बोलेंगे बाग दुगा। तो लेटर वैदिक में आते आते प्रॉपर टैक्स सिस्टम आ गया। तो ये इकोनॉमिक लाइफ है, मैंने नेचर बता दिया, उसके अलावा अर्ली और लेटर वैदिक में कंपैरिजन बता दिया, रेवेन्यू बता दिया, ट्रेड कॉमर्स बता दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें तो अर्ली वैदिक में गाय को ही प्राइवेट प्रॉपर्टी माना गया था, लैंड के लिए कुछ होता नहीं था, और लेटर वैदिक में आते आते भूमि के लिए जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी माने जाने लगी, लोग अपने पास में भूमि रखने लगे, ओके, मतलब अपने नाम से उन्हें बाउंड्री इस टाइप में करके कि भाई ये मेरी भूमि है, ये मतलब उसे अपने अपने नाम से विभाजित करने लग गए थे। रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं, धार्मिक जीवन। अर्ली वैदिक में धार्मिक जीवन जो था वो प्रकृति पूजक था। देखो मनुष्य जो है धीरे धीरे चीज़ों को समझता है, और जिन चीज़ों को समझ नहीं पाता है उनके लिए अपने भगवान बना लेता है। तो शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में प्रकृति की पूजा की जाती थी, हर चीज़ के लिए अलग अलग देवता बना लिए जाते थे। सूर्य को सूर्य देवता अलग से बना लिया गया, पानी के देवता के रूप में यानी बारिश के देवता के रूप में इंद्र को बना लिया गया, उसके अलावा वायु के देवता के रूप में वायु देवता बना लिया गया, वरुण को अलग देवता बना लिया गया, जल देवता अलग बना लिया गया, अग्नि देवता अलग बना लिया गया, पृथ्वी देवता अलग बना लिया, ये सब प्रकृति है। इस प्रकृति की हर चीज़ के लिए देवता बना लिया गया था, और ये बहुत अच्छी बात थी। आज भी जब सारी चीज़ें जलवायु परिवर्तन ये सब हो रहा है, तब फिर से वही बात की जाने लग गई है कि प्रकृति की पूजा करना शुरू करो, प्रकृति को आप भगवान मानना शुरू करो, ये बात उस समय भी होती थी। तो यहाँ पे अर्ली वैदिक में वर्शिप जो थी वो नेचुरल फोर्सेज की होती थी, यानी प्राकृतिक शक्तियों की होती थी एज ए गॉड के रूप में, लाइक वायु विंड यानी वायुदेव मान लिए गए, रेन की पूजा होती थी यानी बारिश की पूजा होती थी, पानी की पूजा होती थी, थंडर यानी बिजली कड़कना जो होता है, तूफान जो होता है उसकी पूजा होती थी। तो इनके लिए अलग अलग देवता बना लिए गए, वायु देवता बना लिया गया, बारिश के लिए वरुण देव बना लिया गया, वाटर के लिए जल देव बना लिया गया, तूफान के लिए इंद्रदेव बना लिया गया, इंद्रदेव को रेन का भी देवता बना गया, बारिश का भी देवता बना गया, उसके अलावा पृथ्वी के लिए पृथ्वी देव बना लिया गया, अग्निदेव बना लिया गया। उस समय महिला देवताएं भी, मतलब ऐसे बोल सकते हो फीमेल डेटी भी जी थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेल देवता नहीं बनाए गए थे, फीमेल देवता भी बनाए गए थे, जिनमें आदिति, उषा, उषा यानी भोर की देवी जो होती है, उसके अलावा सावित्री, सरस्वती, सरस्वती यानी विद्या की देवी होती है। तो ये जो है वो महिला करके अपनी देवी भी बनाई गई थी, देवियों का स्वरूप भी उस समय बनाया गया था। ऋग्वेद में कोई टेंपल नहीं था, और ना ही कोई मूर्ति पूजा होती थी, नो आइडल वर्शिपिंग होती थी, वहाँ पे सिर्फ कर्म और आत्मा पे विश्वास किया जाता था, ठीक है। उस ऋग्वेद के समय पे प्रेयर और चैंटिंग की जाती थी, श्लोक
यानी प्रकृति की पूजा की जा रही है और श्लोक गान करके उनकी स्तुति करके उनकी प्रशंसा करके हो रही है। अग्नि देवता की पूजा करते टाइम अग्नि देवता की प्रशंसा की जा रही है, इंद्र देवता की पूजा करते टाइम इंद्र देवता की प्रशंसा की जा रही है। इन द टर्म्स ऑफ द हिम्स यानी श्लोकों के रूप में उनको चैंटिंग करते हुए उनको यहाँ पे जो है वो उनके एज ए श्लोकों का गायन करते हुए यहाँ पे उनकी प्रशंसा की जा रही है उन्हें प्रसन्न करने के लिए, और साथ साथ में वो उन्हें प्रसन्न करने के लिए फूड भी ऑफर कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, घी दूध इस तरीके से उन पर चढ़ाते भी हैं। और यहाँ पे कर्मकांड बहुत कम है, बहुत कम कर्मकांड है। बलि दी जाती है कुछ एक कंडीशन में दी जाती है, लेकिन गाय की बलि किसी भी कंडीशन में नहीं दी जाती है, इसलिए उसे गाय को अगण्य बोला गया है। अगण्य यानी जिसे मारा नहीं जा सके किसी भी कंडीशन में, तो वो गाय के लिए शब्द यूज किया गया है अगण्य। ठीक है, तो ये अपना अर्ली वैदिक का जो धार्मिक जीवन है और बहुत ही शानदार धार्मिक जीवन है, जिसे अगर आज के समय पे वर्ल्ड फॉलो करे ना तो बहुत अच्छा विश्व बन सकता है। तो ये जो अर्ली वैदिक का धार्मिक जीवन है वो अपने आप में काफ़ी आदर्शवाद में था। ओके, अब बात करते हैं लेटर वैदिक की। लेटर वैदिक में सबसे पहली बात तो मूर्ति पूजा आ गई। ठीक है, उसके बाद में मूर्ति पूजा भी अपने अपने महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से आ गई है, अपनी स्वार्थ पूर्तियों के हिसाब से आ गई है। और यहाँ पे कुछ नए गॉड्स बन के आ गए, नए भगवान बन के आ गए, जिनमें प्रजापति विष्णु और रुद्र, ये सिस्टम आज भी चला आ रहा है। प्रजापति यानी भगवान ब्रह्मा जो इस यूनिवर्स को क्रिएट करता है, विष्णु जो इस यूनिवर्स को चलाता है, और रुद्र यानी शिव जिसे बोल सकते हो जो इस यूनिवर्स को लास्ट में डिस्ट्रॉय करता है। तो ये नए तीन भगवान बन के आ गए थे और ये ही आज तक जो इम्पोर्टेंट चलते आ रहे हैं। बाकी पुराने समय पे इंद्रदेव जो है वो कम हो गए, ये बाकी प्रकृति पूजा भी कम हो गई, अब क्या है मूर्ति पूजा पे अधिक जोर देने लग गए और कर्मकांड पे और दिखावे पे अधिक जोर देने लग गया, सिर्फ दिखावे पे। और यहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है, लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पंडित ही पंडित को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करते जा रहे हैं वो। ठीक है, आइडियल वर्शिप होने लग गई है, कर्मकांड जटिलता और ब्राह्मणवाद बढ़ गया है। ये शब्द अभी यूज किया मैंने, कर्मकांड भी बढ़ गया है, जटिलता और ब्राह्मणवाद भी बढ़ गया है। ब्राह्मण की जो है वो काम ज़्यादा हो गए और वही अपने हिसाब से लोगों को चला रहा है, मे बी लोगों को मूर्ख भी बना रहा है। ओके, प्रेयर डिक्रीज यहाँ पे इधर की साइड में अगर देखें तो हम प्रेयर पे प्रार्थनाओं पे जोर दे रहे हैं, और प्रकृति की पूजा करते समय जो देवता हैं उनको प्रसन्न करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रार्थनाएं कम हो गई हैं, अनुष्ठान ज़्यादा हो गए हैं, बलि अधिक दी जाने लग गई है, दान दक्षिणा ज़्यादा ली जाने लग गई है। इस तरीके से यहाँ पे जो है वो कर्मकांड अधिक हो गए हैं, बलि अधिक दी जाने लग गई हैं, और यहाँ पे भगवान से मांगा जाने लग गया। इधर भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जा रही है, जल देवता को प्रसन्न किया जा रहा है, इंद्र देवता को प्रसन्न किया जा रहा है, यहाँ पे भगवान से मांगा जा रहा है, हर चीज़ जो है अनुष्ठान किया जा रहा है, राष्ट्रीय यज्ञ किया जा रहा है, तो भगवान से प्राप्ति की जा रही है, भगवान मुझे साम्राज्य की उन्नति करवा दो। इस तरीके से अगर बेटे के प्राप्ति के लिए किया जा रहा है तो हे भगवान मुझे यज्ञ अगर कोई भी किया जा रहा है तो उसमें कर्मकांड अधिक है, जटिलता अधिक है, और सब चीज़ में अपना स्वार्थ पूर्ति है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अधिक हो चुका है। तो यहाँ पे ब्राह्मणवाद अधिक बढ़ चुका है और यज्ञों की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, और यज्ञ में भी कर्मकांड नहीं, यहाँ पे भी यज्ञ होते हैं, इधर भी अर्ली वैदिक में भी यज्ञ होते थे, लेकिन यज्ञ बिल्कुल प्रकृति पूजक थे, लेकिन यहाँ पे यज्ञ के साथ में बलि दी जा रही है, ब्राह्मण और क्षत्रियों की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास दान आ रहा है, क्षत्रियों के पास पावर आ रही है। ओके, और ब्राह्मणवाद जो है वो अनुवांशिक हो चुका है इस चीज़ में। तो ये अपना रिलीजियस लाइफ अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक की मैंने यहाँ पे बताई। अब प्रमुख देवता हैं जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इंद्र को लॉर्ड ऑफ बार कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ रेन कहा जाता है, युद्ध का देवता कहा जाता है, वर्षा का देवता कहा जाता है, और तूफान का यानी थंडर का देवता कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र से रिलेटेड 250 श्लोक हैं, और इंद्र के अन्य नाम है जितेंद्र और पुरेंद्र। जितेंद्र यानी जो युद्धों में जिता रहा है, और पुरेंद्र यानी पुर यानी होता है दुर्ग, जो दुर्गों को तोड़ रहा है और दुर्गों को जीत रहा है उसे बोला जाता है पुरेंद्र। तो इंद्र के लिए ये शब्द याद रखना है। वरुण को हम नेचुरल ऑर्डर का यानी प्रकृति का जो सिस्टम चला रहा है उसका उसको जो रखने वाला है, उसको संवारने वाला जो है वो वरुण है। प्रकृति का जो सिस्टम है कि कभी गर्मियों के बाद में फिर बारिश होती है, फिर सर्दियाँ आती हैं, फिर धीरे धीरे गर्मी आती है, तो ये पूरा सिस्टम है, तूफान बारिश ये सब जो प्रकृति का ऑर्डर है इसको संभालने वाला कौन है? वरुण। तो इंद्र के बाद में दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट कौन का है? वरुण का आता है। ओके, ये एथिकली टॉप गॉड है, लेकिन पूजा इंद्र की ज़्यादा की जा रही है। एथिकली इस सब चीज़ का नेचुरल ऑर्डर जो है वो मैनेज वरुण कर रहा है, और इसे गॉड ऑफ रेन भी कहा जाता है। यम गॉड ऑफ डेथ था, यमराज आपने नाम सुना हो तो मृत्यु का देवता था। सावित्री सोलर डेटी यानी सौर देवी थी।
सौर देवी, एक तो सूर्य देवता और उसके साथ में सौर देवी हो गई, ओके। और सावित्री से रिलेटेड ही गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद के थर्ड मंडल में है, ओम भूर्भुवस्वः, आपने सुना हुआ होगा, तो वो सावित्री से रिलेटेड है। अच्छा, ऋग्वेद से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे आपको चैंटिंग जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप सर्च करना टॉप 10 ऋग्वेद चैंटिंग, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से जो ऋग्वेदिक टाइम होता था ना, उस हिसाब से टॉप 10 ऋग्वेद, ठीक है, या टॉप 10 ऋग्वेद श्लोक आप सर्च करना, तो उस जो पुराने समय पे यूज की जाती होगी, जिस तरीके से गाया जाता होगा, उस तरीके से थी। लाइक मैं आपको सुना के बता देता हूँ, आप YouTube पे भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसका मैं पार्ट लगवा दूंगा, आपने महामृत्युंजय मंत्र भी सुना होगा, ठीक है, वो भी ऋग्वेद में है उसका वर्णन, तो ऋग्वेद में ही महामृत्युंजय बन जाए, ठीक है। लाइक आपने इसे संजीवनी, और काफी अच्छा है, ओम त्रिमतम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनम मृत्यु और मुच्छे माम मृतम, ये आपने सुना हुआ होगा। तो मतलब ये ऋग्वेदिक जो है वो श्लोक हैं, ये आप सुन सकते हैं। और रियलिटी में ऋग्वेद के जो श्लोक और रियल ऋग्वेद का जो सांस था, वो आज के समय से काफ़ी बहुत आगे तक का था, वो बहुत, उनके पास में बहुत अच्छी नॉलेज थी, उन्होंने जो श्लोक सच में बहुत काम करते हैं। जब भी मुझे थोड़ा बहुत टेंशन होता है या माइंड प्रॉपर सही ढंग से शांति में नहीं है, तो मैं ये श्लोक वगैरह सुनता हूँ। और जैसे आप माँ मृत्युंजय मंत्र सुन सकते हो, या उसके अलावा गायत्री मंत्र सुन सकते हो, वो आपको शांति प्रदान करते हैं, ओके। अरण्य गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल की जो देवी है उसका नाम है अरण्यनी, ठीक है, अरण्यनी, ठीक है। अरण्य जो होता है वो जंगल होता है, उसकी एक तरीके से बात बोल सकते हो, गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट जो हुई वो अरण्य, और उषा जो होती है वो भोर की देवी होती है। यहाँ पे प्रमुख जो देवता हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, इंद्र युद्ध एवं वर्षा का देवता, मारुत आंधी और तूफान की देवता, सरस्वती नदी की देवी, अरण्यनी जंगल की देवी, पूषण, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूषण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूषण जो होता है वो पशुओं का देवता है, ठीक है, पशुओं के देवता, जो अगर कोई पशु बीमार हो जाते हैं तो पूषण देवता की पूजा की जाती थी। और धीरे धीरे ये पूषण जो है वो बाद में आने वाले टाइम पे ये शूद्रों के देवता बन जाएंगे, ठीक है। क्यों बन जाएंगे, कि वो ज़्यादातर अधिक काम जो है पशुओं वाले जो है वो शूद्र करने लग जाएंगे, तो पूषण जो है वो शूद्रों के देवता भी बाद में बन जाएंगे, ओके। यम जो है वो मृत्यु का देवता है, मित्र जो है वो शपथ या प्रतिज्ञा लेने का देवता है, ठीक है। और अश्विन जो है वो चिकित्सा के देवता है, तो अश्विन का भी ध्यान रखना है, अश्विन कौन है, चिकित्सा के देवता है। सोम वनस्पति के देवता है, सोम और सुरा दो लिक्विड, ठीक है, ये अपने ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। सोम जो है वो देवता का पान करते हैं, और सुरा जो होते हैं एक तरीके से असुर जैसे यूज करते हैं उसे, सुरा आज के टाइम पे अल्कोहल बोला जा सकता है। सोम एक कोई अच्छा था, हिमालय के पर्वतों पे मिलता था कुछ ऐसा माना जाता है, लेकिन आज के समय पे प्रॉपर एग्जैक्ट ये फिक्स नहीं पता कि कौन सी जड़ी बूटी थी, लेकिन सोम के पान का बहुत वर्णन मिलता है कि देवता सोम रस का पान करते थे, ठीक है। सोम और सुरा दो लिक्विड मिलते हैं वहाँ पे। सूर्य जीवन देने वाला होता है, और त्वतष्का ये धातुओं के देवता हैं, आर्ष विवायम संधि के देवता हैं, विवस्वान देवताओं के जनक कहलाते हैं, तो ये विवस्वान आप ध्यान रख लेना है। उसके अलावा अश्विन आपको ध्यान रख लेना है, दोबारा से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं। एक तो विवस्वान देवताओं के जनक हैं, ठीक है, उसके बाद में अश्विन चिकित्सा के देवता आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में पोषण पशुओं के देवता आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये तीन याद रख लेना काफी। उसके बाद में कुछ एक चीज़ें अर्ली वैदिक में और लेटर वैदिक में बिल्कुल सेम थी, लाइक ड्रेसिंग सेंस, एंटरटेनमेंट का सिस्टम, फूड हैबिट्स, हेल्थ हाइजीन और हाउस होल्डिंग, ये दोनों में ही सेम थे, तो वो हम बात कर लेते हैं। ड्रेसिंग की बात करें तो महिला और पुरुष दोनों ही कपड़े पहनते थे और आभूषण पहनते थे, तो वहाँ पे कुछ एक शब्द यूज किए गए हैं, निवी, निवी का मतलब होता है अंडरगार्मेंट, ठीक है, यानी अपनी कमर से नीचे जो भी वस्त्र पहने जाएंगे उन्हें निवी, बास, बास का मतलब होता है कमर से ऊपर जो वस्त्र पहने जाएंगे वो वास, और अधिवास शरीर को ऊपर से ढकने के लिए जो यूज किया जाता है उसे अधिवास बोला जाता है। और ऋग्वेद के टाइम पे जो ऊपर के कपड़े हैं उन्हें उत्तरीय बोला जाता था,
और नीचे के जो कपड़े हैं उन्हें अंतरिय बोला जाता था, ठीक है। ऊपर के कपड़े जो हैं उन्हें उत्तरीय और नीचे के जो कपड़े हैं उन्हें अंतरिय बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेसिंग जो है वो पुरुष और महिलाएं दोनों ही कपड़े और आभूषणों का शौक है। आभूषणों में गोल्ड का सिल्वर का आभूषण यूज किए जाते हैं, ओके। उसके बाद में एंटरटेनमेंट की बात करें तो ये म्यूजिक के बारे में जानते थे, सामवेद तो पूरा का पूरा म्यूजिक का जनक ही माना जाता है, ठीक है। हॉर्स चैरियट रेटिंग करते थे, यानी घोड़े रथ के दौड़ करवाते थे और उसमें जो जीतता था उनके लिए इनाम दी जाती थी, ये एंटरटेनमेंट वाला है। बाकी उधर की साइड में अपना राष्ट्रीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ मैंने आपको बताया था, वाजपेय यज्ञ बताए थे। तो वाजपेय यज्ञ जो होता है उसमें घोड़ों की दौड़ करके राजा घोड़ दौड़ कराते थे, वो वाजपेय यज्ञ अलग होता था। और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए भी आपस में लोग जो है वो रथ दौड़ कराते थे। उसके अलावा डाइसिंग पासा का खेल होता था, महाभारत में आपने देखा ही होगा पूरा पासे पे ही है, गैम्बलिंग, ठीक है, जुआ भी होता था। फूड हैबिट्स, शुरुआत में यव यानी जौ का उल्लेख मिलता है, बाद में गेहूँ यानी गोधूम के बारे में, और उसके अलावा गेहूँ के बाद में चावल के बारे में भी उल्लेख मिलता है। गाय का दूध घी और दही का यूज करते थे, गाय को अगन्या बोला जाता था। उसके अलावा सोम और सुरा का यूज किया जाता था, सोम एक प्रकार का जूस होता था, सुरा एक प्रकार की शराब होती थी। हेल्थ का और हाइजीन का यानी स्वास्थ्य का और स्वच्छता का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे, काफ़ी स्वच्छता का ध्यान रखते थे और हाइजीन हेल्थ के लिए अश्विन को ये चिकित्सा का देवता मानते थे, तो अश्विन आपको ध्यान रखना है, ओके। हाउस होल्ड की अगर बात करें तो रहने का तरीके में ये गृहसूत्र का फॉलो करते थे, जो आज के समय पर भी गृहसूत्र यूज किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट की, एक घर के अंदर हमें कैसे कैसे कुछ नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन करना है, ठीक है। वो आज के समय पे भी होता है, घर का मुखिया नियम बना देता है कि हमारे घर का नियम ये है, यानी गृह सूत्र बन गए और फिर उसके हिसाब से पूरा घर काम करता था। उस समय अतिथि देवो भव की परिकल्पना थी जो आज भी है, ठीक है। क्लीनलीनेस पे अधिक जोर देते थे और वैदिक मंत्रों का बहुत उच्चारण करते थे, नहाने के टाइम पे अलग से वैदिक मंत्र होता था, सुबह जग के सूर्य को अर्घ्य देने का वैदिक मंत्र अलग होता था, उसके बाद में खाना खाने के टाइम पे अलग होता था। सारे कार्यों के लिए नॉर्मली वैदिक मंत्र थे, तो उन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो अपना जीवन यापन करते थे और डेली ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था। आश्रम व्यवस्था मैंने आपको बताई थी, आश्रम व्यवस्था का मतलब होता है फोर स्टेजेज ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी के चार चरण हैं जिनमें शुरुआती साल जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जिसमें हमें विद्या ज्ञान प्राप्त करना होता है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ, चौथा होता है संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमने अविवाहित रहते हुए जो है वो स्टूडेंट जीवन यापन करना होता है, गृहस्थ आश्रम में आपको अपने परिवार की देखभाल करनी होती है, वानप्रस्थ में आप धीरे धीरे से त्याग देना शुरू कर देते हो गृहस्थ आश्रम से, थोड़ा थोड़ा त्याग कर देते हो और जंगल की तरफ जाने लग जाते हो, और संन्यास आश्रम में जो है वो कम्प्लीटली आप सब कुछ त्याग देते हो, गृहस्थ के बारे में कुछ ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आत्मा की शांति और इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए आपको जो है वो भजन ध्यान करना होता है, तो वो संन्यास आश्रम, ओके। पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ होते हैं, जिसका मतलब होता है फोर एम्स ऑफ लाइफ, चार मुख्य उद्देश्य हैं आपकी लाइफ के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है आपको मॉरल ड्यूटी फॉलो करनी है, अर्थ का मतलब है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करनी है, काम का मतलब है आपको प्यार और सुख प्राप्त करना है, और मोक्ष का मतलब है आपको आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त करनी है। तो ये चार प्रमुख पुरुषार्थ होते हैं, कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब होता है आपको एथिकल रहते हुए, नैतिक रहते हुए और आपको जिंदगी भर कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अर्थ का मतलब है आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करनी है, आपके पास में पैसा होना चाहिए, और काम का मतलब है लव एंड प्लेजर, मोक्ष का मतलब है स्पिरिचुअल लिबरलिज्म, शांति प्राप्त करना। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ सिस्टम और वर्ण व्यवस्था मैंने पहले ही बता दिया था। अर्ली वैदिक में तो वर्ण कलर होता था, लेकिन बाद में जो है वो सामाजिक भेदभाव का आधार बन गया, जिसमें शुरुआत के तीन जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको द्विज बोला जाता है, शूद्र सबसे नीचे हो गए, और लास्ट में अछूत भी होते थे, बिल्कुल ही जिनसे दूर रखा जाता था, गांव से बाहर रखा जाता था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हुई। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, लाइक कुछ कीवर्ड्स हैं और वो कहाँ से लिए गए, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, लाइक जैसे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ओके। गोत्र कहाँ से लिया गया, तो अथर्ववेद में गोत्र शब्द का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त कहाँ पे, ऋग्वेद के दसवें मंडल में है। आश्रम व्यवस्था कहाँ पे मिलती है, तो जवाली उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। संसार शब्द कहाँ से लिया गया है, संसार की मिलिंग कहाँ से ली गई, तो बृहदारण्यक उपनिषद से ये संसार शब्द लिया गया है, ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री
अथर्ववेद में सभा और समिति को जो है वो प्रजापति की पुत्री कहा गया है। ठीक है, त्रिमूर्ति डॉक्ट्रिन ये कहाँ से ली गई है, तो मैत्रेय उपनिषद से। त्रिमूर्ति यानी त्रिमूर्ति कौन कौन हुए त्रिमूर्ति में, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन हुए ना। तो इन तीनों का जो त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, मैत्रायणी उपनिषद से लिया गया है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स किस में समझाया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में समझाया गया है। और नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद होता है वो कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। ओके, उसके अलावा ये ऋग्वेद में प्रमुख शब्दों का उल्लेख है, उनमें ये आपको डाटा तो याद नहीं रखना है, बट इतना समझना है कि देखो गंगा का सिर्फ एक बार यूज किया गया है। तो ऋग्वेद के टाइम पे लोग गंगा नदी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे, उत्तर वैदिक काल में यानी जिसमें यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद है उस समय गंगा नदी का अधिक वैल्यू है। ऋग्वेद में इंद्र भगवान को अधिक पूजा जाता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र की वैल्यू जो है वो कम होने लग जाती है। तो यहाँ पे राष्ट्र शब्द का भी यूज किया गया है, पृथ्वी का यूज किया गया है, सभा और समिति का यूज किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्र शब्द का यूज तो किया गया, लेकिन इसका प्रॉपर जो एप्लीकेशन है वो उत्तर वैदिक काल में ही होता है। राज्य जो बनने लगते हैं, राष्ट्र जो बनने लगते हैं, वो उत्तर वैदिक काल में ही बनते हैं। ओके, धार्मिक चार पुरोहित जो हैं, होत्र, उद्गाता, अदर्व्यु, ब्रह्मा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। ऋग्वेद के लिए जो प्रार्थना करने वाला पुरोहित होता है उसे होत्र बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में उद्गाता, सामवेद का गायन करने वाला पंडित जो होता है उसे उद्गाता बोला जाता है। अदर्व्यु यजुर्वेद का मंत्रोच्चारण करने वाला पुरोहित जो होता है वो अदर्व्यु होता है, और ये पशु बलि में हस्तकार्य भी सब ये खुद ही पशु बलि भी करता है। मतलब यहाँ पे यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण भी करता है और साथ साथ में पशु बलि भी वही दिलवाता है। उसके ब्रह्म कौन आता है, ये इस बात की जांच करते हैं थे कि यज्ञ विधिपूर्ण किया जा रहा है तथा मंत्रोच्चारण शुद्ध हो रहा है या नहीं, इनका संबंध अथर्ववेद से होता है, ब्रह्म होता है। ठीक है, और ऋत्विज मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। तो ये प्रमुख धार्मिक पुरोहित होते थे। पांच महायज्ञ ये हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ऋषि यज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए ऋषि यज्ञ किया जाता था, जिसे ब्रह्म यज्ञ भी बोलते थे। देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए किया जाता था। पितृयज्ञ पितरों को समर्पित यज्ञ होता था। मनुष्य यज्ञ अतिथि के सत्कार के लिए किया जाता था। भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए भूतक किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आपको खुद को पढ़ने होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे अपने हिंदी नोट्स हैं जो आपको खुद को देखने होंगे। आर्यों का भारत में विस्तार कहाँ हुआ ये मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से, अब ये तो मैं दोबारा से पढ़ना होगा खुद को। आर्यों के मूल स्थान से संबंधित मत मैं आपको समझा चुका हूँ। ऋग्वैदिक काल के बीच में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आपको इसमें से सिर्फ ये शब्द निकालने हैं कि अनासा का मतलब क्या है। तो अनासा दस्यु को बोला जाता था जिनकी नाक चपटी होती थी और ये यहीं के लोग होते थे। ठीक है, ये शब्द आपको निकालने हैं बस, और कुछ नहीं है। तो ऋग्वैदिक काल का ओवरव्यू है और राजनीतिक स्थिति मैंने आपको बता दी। राजा को जनस्य गोपा बृहस्पति गणपति गोपति ये कहा जाता था। शासन की इकाई ग्रह गांव विष जन होती थी। ठीक है, उसके बाद में सभा समिति विदत ये तीन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। देन 10 राज्य युद्ध के बारे में आपको मैंने बता दिया। ऋग्वैदिक का सामाजिक जीवन खानाबदोश जीवन से छोड़ के पारिवारिक जीवन हो रहे हैं, पितृसत्तात्मक है, पुरुष सूक्त में वो मिलता ही है, लेकिन वर्ण जो है वो कर्म के आधार पर होता है। महिलाओं की स्थिति अच्छी है। ठीक है, और यहाँ पे आगे चलते हैं तो फिर हम यहाँ इनके कपड़े नीवी वास और अधिवास, ठीक है, उन्हीं कपड़े को सामूल्य कहा जाता है, कड़े हुए कपड़े को पेशस कहा जाता है। तो ये शब्द आपको निकाल लेने हैं। आर्थिक जीवन गाय के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे किस किस तरह शब्द को यूज किया गया है, और कृषि जो है सिर्फ जौ की जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं तो ये प्रमुख शब्द मैंने बता दिए। धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो ये प्रकृति पूजा करते थे, बहुदेववादी यानी बहुत सारे देवताओं को पूजा करते थे। ठीक है, पृथ्वी के अंतरिक्ष के और आकाश के अलग अलग देवता थे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें आगे तो चार धार्मिक पुरोहित ये मैंने आपको बता दिए। तो ये पूरा ऋग्वेद हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। और अब हम आगे चलते हैं तो उत्तर वैदिक में, ये आपको खुद से पढ़ना है क्योंकि सब कुछ मैं समझा चुका हूँ, एक एक चीज़ मैं समझा चुका हूँ इसमें से। ओके, तीन ऋण आपको ये ध्यान रखने हैं, तीन ऋण बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देव ऋण यज्ञ आदि करवाना, पितृ ऋण धर्मानुसार संतान की उत्पत्ति करना, और ऋषि ऋण विधिपूर्वक वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। ये तीन ऋण हैं, ये मेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब गृहस्थ आश्रम में किए जाते हैं। ओके, उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो उत्तर वैदिक काल के जो राजनीतिक स्थिति है उसमें राज्य बनने लग गए हैं, शक्तिशाली राज्य बनने लग गए हैं, राजा अपने पास शक्ति रखने लग गया है, राष्ट्र शब्द जो है वो प्रयोग होने लग गया है,
और यहाँ पे राजा अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्रियों को, अवतारियों को रखता है, उन्हें रत्निन कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निनों का जो है वो उल्लेख किया गया है। पुरोहित होता था, सेनानी होता था, युवराज होता था, महिषी होती थी, रानी को बोला जाता है, ये प्रमुख रत्निन है। राजा का सारथी उसे सूत बोला जाता था, गांव के मुखिया को ग्रामीणी बोला जाता था, द्वारपाल को प्रतिहारी या छत्र बोला जाता था, कोषाध्यक्ष को संग्रहित्री बोला जाता था, कर संग्रहता को टैक्स कलेक्टर को भाग दुगा बोला जाता था। उसके बाद में पासे के खेल में राजा का सहयोगी जो होता था उसे अच्छवाहक बोला जाता था, संदेशवाहक को पालागल बोला जाता था, और शिकार में राजा की सहायता करने वाला गोपीकर्तन होता था। ठीक है, इस समय सभा और समितियों की वैल्यू कम हो गई है, स्थायी सेना फिर भी नहीं रख रहा है ये आगे आने वाले टाइम पे। यहाँ पे ये यज्ञ भी करने लग गया है, राजसू, अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ। सामाजिक स्थिति की बात करें तो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे हो गई है, समाज में कठोरता आ गई है, और ये सब जन्म के आधार पे होने लग गया है। द्विज शुरू के 3 जो हैं उनके बारे में बता दिया। जबाल उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का। गोत्र शब्द यहाँ निकल के आ गया है, शुरुआत में जहाँ पे गायों को रखा जाता था, बाद में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्तियों को गोत्र कहा जाने लगे, गोत्र कहे जाने लगे। ओके, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई है, पुत्री को दुखों का स्रोत बोला गया है। ओके, यहाँ पे पुरुषार्थ का भी वर्णन मिलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। उसके बाद में 16 संस्कार, ये आपको ध्यान रखने ही होंगे, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 16 संस्कार की समझा देता हूँ कि किस तरीके से। सबसे पहले तो गर्भाधारण किया जाता है, उसके बाद में पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता है, उसके बाद में गर्भ में जो भी है पुत्र या पुत्री उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे सीमंतोनयन किया जाता है, उसके बाद में जात कर्म, बच्चे के जन्म के पश्चात उसकी दीर्घायु प्रार्थना की जाती है, जन्म लेने के बाद में उसकी दीर्घायु प्रार्थना की जाती है, फिर बच्चे का नाम रखा जाता है। नाम रखने के बाद में शुरुआत में 15-20 दिन आज के टाइम पे भी जैसे घर में रखा जाता है, तो उसके बाद में जब भी उसे पहली बार धूप में निकाला जाता है तो उसे निष्क्रमण बोला जाता है, तो घर को पहली बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालना। फिर शुरुआत में तो बच्चे को माँ का दूध दिया जाता है, 2-3 महीने बाद में पहली बार जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है तो उसे अन्नप्राशन बोला जाता है। शिशु को 6ठे माह में अन्न खिलाना जो होता है वो अन्नप्राशन कहलाता है। फिर उसके बाद में चूड़ाकर्म होता है, जिसमें बच्चे के जो है वो बालों का मुंडन कराया जाता है, 3 से 8 के बीच में हो सकता है। बच्चे की विद्या आरंभ जो होती है वो घर से ही होती है, 5वें वर्ष में बच्चे को अक्षर ज्ञान दिया जाने लग गया है, घर में ही हो रहा है, अभी उसे वहाँ गुरुकुल नहीं भेजा जा रहा है। उसके बाद में उसका कर्ण वेदन किया जाता है, रोगों से दूर कर रखने के लिए और आभूषण धारण करने के लिए कर्ण वेदन। उसके बाद में उपनयन संस्कार, इसके बाद में बच्चा द्विज हो जाता है और सन्यासी जीवन जी का शिक्षा ग्रहण करता है। वेद आरंभ में वेद अध्ययन शुरू हो जाता है, केशांत में 16 वर्ष का हो जाने के बाद में पहली बार बाल काटे जाते हैं। समापवर्तन में विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति बोली जाती है। विवाह संस्कार, शादी की जाती है और विवाह के जस्ट बाद में ही अंत्येष्टि निधन संस्कार होता है उसका। ओके, तो पहले 15 संस्कार तो विवाह तक के हैं, उसके बाद में अंत्येष्टि। अगर आपको ध्यान रखना है तो यह सूत्र है, GPS जा नानी से अन्य चूड़ा लेके UV बेकेश का विवाह देख। GPS यानी गर्भधारण, ठीक है, P यानी पुंसवन, S यानी सीमंतोनयन, जा यानी जातकर्म, नानी ना यानी नामकरण, नी यानी निष्क्रमण, अन्न चूड़ा लेके अन्न अन्नप्राशन, चूड़ा यानी चूड़ा कर्म लेके, यह के तो यहाँ पे कर्ण वेदन, तो ये जो अपना विद्या आरंभ और चूड़ा कर्म विद्या आरंभ वाला है उससे पहले कर्ण वेदन भी हो सकता है, तो इनमें कोई वो फिक्स नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में विद्या आरंभ और विद्या आरंभ के बाद में BU यानी उपनयन, उसके बाद में बेकेश तो वेद आरंभ, उसके बाद में केस काटने वाला केशांत, उसके बाद में समापवर्तन जब बच्चा विद्या अध्ययन करके घर आ जाता है, उसके बाद में विवाह और उसके बाद में अंत्येष्टि। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, ये आपको खुद को पढ़ने, प्रजापत्य कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। दैवीय, अगर अनुष्ठान पूर्ण करने वाला पुरोहित उससे कन्या की शादी हो रही है, ठीक है। आर्ष, ब्रह्म, गंधर्व, यह प्रणय विवाह था। असुर, कन्या के पिता या संबंधी द्वारा धन लेकर उसका विवाह किया जाता था, यानी कन्या की बिक्री की जाती थी, तो उसे असुर विवाह बोला जाता। राक्षस विवाह, कन्या को जबरदस्ती अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। पैसाच, इसमें छल पूर्वक कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेना पैसाच विवाह कहता था। यह सबसे निम्नतम स्वरूप होता था शादी का। उत्तर वैदिक में आर्थिक स्थिति, मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। यहाँ पे चित्रित दूसर मृदवाण जो है वो मिले हैं, तो इस संस्कृति को जो है चित्रित दूसर मृदवाण संस्कृति बोला जाता है।
यहाँ पे चावल को ब्रेही शब्द यूज किया गया है, यव जो है वो जौ, उसके अलावा गेहूं के लिए गोधूम यूज किया गया है, अनाज मापने के लिए उदेड़ शब्द यूज किया गया है, ठीक है। श्रेष्ठ जो होता था वो व्यापारियों की एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता था। सत्मान और निस्क के दो शब्द मिलते हैं, बेबीलोन के साथ में ये व्यापार करते थे। धार्मिक स्थिति में पहले वाले जो देवता थे इंद्र वरुण के आदि, इनके स्थान पर प्रजापति विष्णु और शिव जी की वैल्यू बढ़ गई है। आर्य व अनार्य विचारधाराओं को आपस में सम्मिश्रण भी होने लग गया है। पशु बलि बढ़ गई है, कर्मकांड और जटिलता बढ़ गई है, यज्ञ किए जाने लग गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अतिथि को गोहन बोला जाने लग गया है। गोहन का मतलब जो गाय का मांस खाता है, यानी अतिथि जब आते थे तो उनके लिए गाय का मांस खिलाया जाता है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। बाकी वास्तविकता क्या है वो इतिहास जानता है। ये प्रमुख यज्ञ हैं मैंने आपको बताए, और यहाँ पे वैदिक साहित्य जो कि अपना आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा होगी, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10462 श्लोक हैं, ओके। और कौन कौन से ऋचयताएँ ये आपको ध्यान नहीं रखना, ये याद करने लग जाओ तो कोई मतलब नहीं है। सामवेद मैंने बताया, इसमें जो है वो ये संगीत शास्त्र का प्रथम पुस्तक मानी जाती है। यजुर्वेद में 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। अथर्वेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। वेदांग, इन वेदों को समझने के लिए आपको वेदांग पढ़ना होता है, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष ये इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, और लास्ट में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और ये आपको प्रैक्टिस करने, ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। इनमें से मैं रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ, लाइक ये वाला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए किया गया है। संस्कार कितने हैं, कुल 16 हैं, ओके। ये आसानी से आप कर सकते हो। प्राचीन भारत में कॉस्मोलॉजिकल विषयक धारणाओं के आधार पर 4 युग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है सतयुग, सतयुग को कृतयुग भी बोला जाता है, सतयुग के बाद में त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आता है, ओके। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, शुरुआत में, तो सर्वाधिक सिंधु नदी है, ओके। निम्नलिखित में से भारतीय समाज में प्रसंग में निम्न कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, मतलब अलग से कौन सा है, वंश, गोत्र, कुल और कोष। तो कोष अलग है, और वंश, गोत्र, कुल ये परिवार से रिलेटेड है, कोष यानी पैसों से रिलेटेड है, ओके। नचिकेता और यम के बीच में कठोपनिषद में वर्णन मिलता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः तो क्या था, पूर्व वैदिक यानी पहले वाले, शुरुआत वाले, ठीक है, और उत्तर वैदिक यानी बाद वाले। तो शुरुआत वाले कौन से हैं, ऋग्वैदिक, और उत्तर वैदिक वाले सामवेद, अजुर्वेद वाले सब। तो शुरुआत में प्रकृति पूजक थे, ओके। ये IAS प्रीलिम्स 2021 का है, ठीक है। उसके बाद में कुछ और एग्जांपल, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था, पुरुषणी नदी के तट पे हुआ था। ऋग्वेद में यक्ष शब्द मिलता है, तो किसके लिए, जौ के लिए यूज किया गया है, ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वैदिक युग में कैसी थी, प्रजातंत्र था, वंश परंपरागत राजतंत्र था, निरंकुश तो नहीं था, ठीक है, वंश परंपरागत भी प्रॉपर वे में नहीं बोल सकते हो, प्रजातंत्र था लेकिन वंश परंपरागत नहीं था, गणतंत्र नहीं था प्रॉपर वे में, गणतंत्र यानी जनता हर बार चुनाव करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान में भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो बोगाज कोई जो अवलेख है उसमें जो है इसके बारे में वर्णन मिलता है, ओके। ये यहाँ पे आपको लिखा है निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं होती हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, फिर अरण्यक और उपनिषद। मैंने बताया कि हर वेद के रिलेटेड संहिता होती है, ठीक है, हर वेद से रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, फिर आरण्यक होते हैं, और फिर उपनिषद होते हैं। संहिता का मतलब होता है ब्रह्मचर्य जीवन रहते टाइम, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है जब आप अपना घर पे रहते हो गृहस्थ टाइम पे, आरण्यक का मतलब होता है जब आप वानप्रस्थ जा रहे हो, और उपनिषद का मतलब होता है जब आपने संन्यास ले लिया तब उस समय क्या ज्ञान प्राप्त करना है, ओके। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पुराना वेद कौन सा है, आप आसानी से आंसर दे सकते हो, ठीक है। आर्य शब्द क्या है, आर्य उत्तम व्यक्ति को बोला जाता है, एक उत्तम व्यक्ति, ओके। बर्ड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। किसमें, एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो मैंने आपको बता दिया था। अथर्ववेद में तंत्र विद्या का वर्णन है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, 1028 ऋचाएं। तो ये क्वेश्चन हैं, आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोह प्रकाश डालता है, तो 10वें मंडल के रिलेटेड ही पुरुष सूक्त है, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड् दर्शन का भाग नहीं है, IAS प्रीलिम्स 2014, तो मीमांस वेदांत भी है, न्याय वैशेषिक भी है, सांख्य योग्य भी है, लोकायत और कापिलिक, ये अलग अलग मुनि है, तो ये लिखे हुए, लेकिन षड् दर्शन में तो ये नहीं है, ये मतलब इनके प्रवर्तक हो सकते हैं लेकिन षड् दर्शन में नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया थे। यहाँ पे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ओके। तो ये अपना
वैदिक सभ्यता कंप्लीट होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अब आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मैंने शुरुआत में इंग्लिश में बनाई हुई है, उनमें आपको हिंदी शब्द लिखने की कोशिश कर लेनी है, ठीक है। बाकी हिंदी नीचे पूरा लिखा हुआ है, आगे मैं कोशिश यही करूँगा कि इसी तरीके से समझाऊँ कि कीवर्ड्स और शॉर्ट वर्ड जो होंगे वो उन्हें इंग्लिश में लिख लूँ और बाद में पूरा डिटेल में हिंदी में, ठीक है। तो ये आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो शुरू के जो 5-6 पेज हैं लाइक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक पेज और दूसरा पेज, उसके बाद में फिर यहाँ पे सोशल लाइफ का एक पेज, ये पूरा कैसे भी करके याद कर लेना क्योंकि इसमें सब कुछ कवर किया है। फिर इकोनॉमिक लाइफ का ओनली एक पेज और उसके बाद में रिलीजियस लाइफ का ओनली एक पेज, और इसके बाद में ये वाला जो पेज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जिसमें मैंने पुरुषार्थ, आश्रम, वर्ण व्यवस्था और उनकी कुछ ड्रेसिंग, एंटरटेनमेंट, ये सब सेम थी ईवी और एलवी की, उनके बारे में बात की गई है। और एक लास्ट में जाते जाते आपको ये वाला भी अच्छे तरीके से रिवाइज करना है कि ये प्रमुख कीवर्ड कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। कभी भी पूछा जा सकता है कि संसार शब्द कहाँ से लिया गया है, सभा और संपत्ति को प्रजापति की पुत्री किस वेद में कहा गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये अपना वैदिक सभ्यता इम्पोर्टेंट लेक्चर कंप्लीट होता है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इससे बाहर शायद ही कोई सवाल आएगा। अब कुछ हिस्सा जो बचता है इसका आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा होता है, उसमें वैदिक साहित्य के रिलेटेड बहुत डिस्कशन करना होता है, तो वो हमारा आर्ट एंड कल्चर में कराया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।